आप देख रहे हैं कि ये हमारा गोडाउन है, माल हमारा उधर मशीन से बन के यहाँ पर आता है, यहाँ पे पैक होके और फिर यहाँ से मार्केट में जाता है। 1 से 1.5 टन डेली की सप्लाई है हमारी और बाकी कमाई बहुत अच्छी है इसमें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ। ये हम रॉ मटेरियल है सूजी, जो कि ये होपर है, इसके अंदर डाला जाता है। ये देखिए ऐसे इसमें ये रॉ मटेरियल डाला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पूरी मशीन का मेन कंट्रोलर है, इससे ही पूरी मशीन ऑपरेट होती है। जैसे कि पहले होपर यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। अभी हमने ये होपर चालू करा है, अब यहाँ से माल ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको चालू कर दें, ये आप देख रहे होंगे कि ये हम आरओ का पानी इस्तेमाल करते हैं और ये यहाँ से होता हुआ सीधा मेन मिक्सर में आता है। ये हमारा मेन मिक्सर है, चालू कर। जगह हटा दूँ, ज़रा जगह आ रहा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट मिक्सर है हमारा और इसमें से सीधा मिक्स होके ये सेकंड मिक्सर में आता है और ये ट्रांसफ़र हो रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें अंदर से ट्रांसफ़र होके आता है। ये देखें आप, बहुत ही ईजी वो है कि इसमें आराम से मिक्स होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेकंड मिक्सर में मिक्स हो रहा है। अब इसके बाद हमने ये वैक्यूम लगा रखा है, जिससे कि क्वालिटी बढ़िया आए, माल ना क्रैक हो, इस वजह से ये वैक्यूम लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, यहाँ से बन के निकलना शुरू हो गया है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का वो है। ये देखो, रोहित अभी मैंने आपको दिखाया एक प्रोडक्ट दिखाया था आपको, अब मैं इसमें डाई चेंज करूँगा, करेंगे इसकी, अब हम दूसरी डाई लगाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा अब इसमें। जैसे कि इसमें आप जो है मैक्रोनी, वर्मासिली, पास्ता, पेनी पास्ता और भी सिर्फ डाई चेंज होती हैं और बाकी जो चाहो आप इसमें से निकाल सकते हैं। अब हम दूसरी डाई लगा रहे हैं, अब दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा इससे। देखें
देखिए सर, ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी में निकल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा माल वहाँ से अब ये ड्रायर में जाएगा, वहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे रहेगा ड्रायर में, जो कि बाहर की धूप हवा ना लगे, माल में क्वालिटी सही आए, इसीलिए ड्रायर में लगाया जाता है ये। सर सबसे आखिर में बताइए, अभी आप कितनी कमाई कर लेते हैं इस बिज़नेस से? हो जाती है पर डे की 10,000 के आसपास, 10,000 महीने का वही 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास इस बिजनेस से कमाई कर रहे हैं वो आपको प्रति घंटा? हाँ प्रति घंटा, जिसका मुनाफा आपको 5,000 तक हो जाता है। यानी सत्यो, अगर आप छोटी मशीन लगाते हैं तो दिन के आप 500 केजी प्रोडक्शन करेंगे, प्रति केजी आपको 10 रुपये मुनाफा हो रहा है तो दिन के आप 5,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके लिए छोटी मशीन की लागत कितनी आएगी? 3.5 लाख। जो बड़ा प्लांट दिख रहा है इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी और इससे हम कितनी कमाई कर सकते हैं? ये जो मशीन आप देख रहे हैं, जो 200 केजी पर आवर का प्रोडक्शन वाली, मतलब 2 टन माल आपका निकाल के देती है, जिस हिसाब से मशीन है इसका जो कॉस्ट आएगा वो 10 लाख का कॉस्ट आएगा। 10 रुपये कर पर केजी बेचते हो तो आपको 20,000 का मुनाफा है दिन के हिसाब से। मेरे हर वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि सर माल तो कोई भी बना लेगा, जब हम इसे बेचेंगे तभी आप जो बोल रहे हैं उतनी कमाई कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम बेचेंगे कहाँ? सर जैसा कि आप देख सकते हो कि बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं इसे, रेस्टोरेंट में आप यूज़ कर सकते हो इसे, स्कूल टाइम में ब्रेकफास्ट के लिए आप ले सकते हो इसे। तो बेसिकली जितना ज़्यादा जितना अच्छा आप कमाई करने का सोच रहे हो इसके लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। और अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके प्रोडक्ट बनाओगे तो हाई लेवल पर भी बिक सकता है प्रोडक्ट। चलिए साथ